जंग जो है यहाँ पे मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ये लड़ाई यहाँ पे हुई। हम इस मकाम पर मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप ये दिखा दें। ये 629 ईस्वी में 629 ईस्वी को ये वार हुई यहाँ पे मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान, और इस जंग में मुसलमानों की तादाद 3000 जबकि जो यहूदी थे जो कुफार थे कुफार की तादाद तकरीबन 1.5 लाख। ये जंग का वाकया कुछ इस तरह से है कि हजूर सल्लम ने अपना एक कासिद भेजा जो शायर रूम था उसकी तरफ कि उसको जाके इस्लाम की दावत दे। जब वो यहाँ पहुँचा उन्होंने वहाँ पे दावत दी तो उन्होंने हजूर सल्लम का जो कासिद था उनको कत्ल कर दिया। जब ये इतला हजूर सल्लम को पहुँची तो आप सल्लम ने सहाबा कराम का एक लश्कर तैयार करवाया और उसको भेजा कि आप जाएं और अपने उस सहाबी जो कासिद थे उनका बदला लें और उनको तलकीन फरमाई कि आपने वहां जाकर सबसे पहले इस्लाम की दावत देनी है, उसके बाद अगर वो ना माने तो बाद में लड़ाई करनी है। और इस जो जंग थी इसके सिपा सलार थे हजरत जाफर तैयार जो कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, हजरत अबू तालिब के बेटे थे। वो इस जंग के सिपा सलार थे। हजरत सल्लम ने उनको अपना अलम दिया और वो यहाँ पर पहुँचे। ये वो मकाम है जहाँ पर हम आए हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा ये मकाम आप दिखाएं हमारे ऑडियंस जो है। ये वो मकाम आजकल इसको इसके गिर्द ये दीवार एक लोहे का जंगल लगा दिया गया है। इस जगह पर ये लड़ाई हुई और ये जंग हुई और मुसलमानों को फतह हुई। इस जंग में काफ़ी से ज़्यादा जो है वो हमारे मुसलमान जो थे सहाबा कराम हजरत सल्लम के सहाबा कराम उनकी शहादतें हुई। तो ये कैमरामैन से मैं कहूँगा ये सब व्यू दिखाएं आप। ये वो मकाम है, हम पहुँच चुके हैं इस मकाम पर। ये वो मिट्टी है जिसमें सहाबा कराम के जो है खून शामिल है। हजरत सहाबा कराम ने यहाँ पर अपनी जानों के नजराने पेश किए और यहाँ इस मकाम पर ये मकाम जो है ये जो कैपिटल इस्लाम हजरत ज़ैन बिन हारिस अलैहिस्सलाम उनकी जो मज़ारात हैं वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। उनके जो शराइन रोज़ा है हम वहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम अभी ये स्टार्ट है, ये बैरूनी मंजर है इस रोज़े का शराइन का आप देख सकते हैं। ये मीनार भी है, ये बैरूनी मंजर है। अभी आप अंदर नहीं गए, बार रोड से हम जैसे उतरे और उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। ये आप देख रहे हैं सामने और ये मेन एंट्रेंस है इसकी। अभी हम आगे जाएंगे, कैमरामैन भी साथ आएंगे इंशाल्लाह और हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे जितनी हमें मालूम है इंशाल्लाह हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हाँ जी, ये है, ये आप देख रहे हैं मकाम अल सहाबी जलील ज़ैद बिन हारिस और ये आप देख सकते हैं मकाम है हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम।
ये उनका मज़ार है, उन जो बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, उनके जो शराइन है उनके बार। और हज़रत जाफ़र तियार अलैहिस्सलाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे, आपकी उम्र उस वक़्त तकरीबन 39 बरस थी, आप हज़रत अली से 10 साल बड़े थे, और आप जो जंग मोता हुई उसमें आप सिपा सलार थे, आपकी शहादत जंग मोता का जो आपको मकाम दिखाया है वहाँ पर हुई, और तदफीन जो है वो आपकी यहाँ पर हुई, इस मकाम पर तदफीन हुई। हज़रत जाफ़र तियार आप जो हैं वो जंग मोता के सिपा सलार थे और आप यहाँ पर आए, और वो सामने एक बोर्ड है वो भी हम देखेंगे, ये मेरे ख्याल में जिन्होंने ये बनवाया है आई थिंक जी ये उन्होंने एक अपनी तरफ से तख्ती लगाई है, जो आल मलिक अब्दुल्ला अल सानी बिन हुसैन जो थे जिन्होंने ये इसका संग बुनियाद रखा, ये आप देख सकते हैं उन्होंने इफ्तिताह किया, तारीख जो है ये 2 शबान को तारीख 1951 31 नवंबर 1999 को ये इस रोज़े का इफ्तिताह किया गया और यहाँ पर ये तामीर शुरू की गई। जी आगे चलेंगे हम, हम मौजूद हैं हजरत जाफर तियार अलैहिस्सलाम के रोजे पे, हजरत जाफर तियार अलैहिस्सलाम के रोजे पे मौजूद हैं यहाँ पर, जैसे हम इंटर हुए और मैंने यहाँ पर तारुफ करवाया कि हम पाकिस्तान से, हम इन्होंने पहले ही आते ही पहला जो इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो जो है क्वीन ऑफ एशिया, क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो कुछ نواز شريف قدا لا لا ما في قول الله بلا هذه القول الله الله بين ذي الحق بين ذي القول كويس كويس نواز شريف ما في كويس كراب برويز شرف برويز شرف بين شرف قول بس بين ذي موست قول موست قول son of Benazir Bilawal Bhutto, now politician of Pakistan. Pakistan. Chairperson of Pakistan People's Party. Good Pakistan. Good Pakistan. Good. Very, very good Pakistan. Benazir Bhutto Zindabad. Benazir Bhutto Zindabad. Thank you, thank you. ये हम हाते में मौजूद हैं, हरम पाक में मौजूद हैं, ये हरम पाक है जिसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं हरम पाक में, और हम दुआ दो हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को, अल्लाह ताला हर मुसलमान को, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद गुत्ती के इंडिया से, हमारे इंडिया के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और इंडिया को आपस में सलूक अता फरमाए और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ गुरबत को ख़त्म हो, और इस वक्त हम दुआ दो हैं अपने पाकिस्तानियों के लिए सब के लिए, और ये शरण का जो मीनार है ये आप कैमरा मैन से मैं गुजारिश करूँगा, ये दिखाएँ काफ़ी तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन भी मौजूद हैं, ज़ायरीन आए हुए हैं काफ़ी तादाद में, कैमरा मैन है सैयद गुत्ती के जी और भाई शुएब, और कैमरा मैन से मैं गुजारिश करूँगा आप थोड़े जो मनाजर हैं ये थोड़ा दिखाएँ अंदर से, ये मनाजर थोड़ा हम देखेंगे, इसके बाद हम जो हैं वज़ू खाने की तरफ भी जाएंगे, पहले वज़ू करेंगे उसके बाद हम इंशाल्लाह मज़ार पर हाथ रखेंगे। जाकर तियार अलैहिस्सलाम जिनकी शहादत जंग मौता में हुई और उनकी तदफीन इस मकाम पर की गई, और ये उनका रोज़ा है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, और सैयद मेरी तरह जो है ये कमाल है शादी, तो हम अब हम चलेंगे वजू खाने की तरफ, वजू करेंगे
السلام کے روزے پر یہ ان کی جو ہے زرعی مبارک ہے، یہاں پر یہ ان کا زرعی کے اندرونی جو منظر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ساتھ میں مسجد بنائی ہوئی ہے اور مسجد کے ساتھ یہ وہاں سے مین انٹرنس ہے، یہ بھی انٹرنس ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، اس طرح سے انٹرنس ہے اور اس طرح سے انٹرنس ہے، اور کیمرہ مین سے میں کہوں گا کہ پاس آئیں اور اندر زرعی مبارک کا جو تعویذ ہے، تعویذ اگر ہو سکتا ہے زوم وہ کر کے دکھائیں، پورا کوشش کریں۔ اپنے پیاروں کی زیارت سے مشرف فرمائے، ہم اس وقت یہ موجود ہیں روضہ مبارک پر، ہم آپ کو اطراف یہاں پر اوپر جو ہے یہاں پہ